नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मिजोरम जाइए, मणिपुर जाइए, नागालैंड जाइए, अरुणाचल जाइए, देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है। जला दिया है उन प्रदेशों को, आग लगा दिया है असम में। बांटने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। और मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूं, देखो आज अब अपना काम भूल गए हो। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। मुकुल वासनिक जी, कहाँ हैं आप? आपने आज इस छोटे से मैदान में इतने सारे बब्बर शेर और शेरनियां कैसे इकट्ठा कर दिए? और देखिए, एक साथ प्यार से खड़े हैं। यह हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। इस देश की शक्ति इसकी अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था है नहीं थी। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी, कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये देश अलग अलग धर्मों का देश, अलग अलग जातियों का देश, अलग अलग विचारधाराओं का देश मिलकर एक साथ 9% जीडीपी पर कैसे चल रहा है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। चिंडिया बोलते थे, चिंडिया। चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया। और ये देखिए, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज 200 रुपए, 200 रुपए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी? आज 4% पे पहुंच गए हैं। और वो भी उन्होंने जीडीपी नापने का तरीका बदला, जीडीपी नापने का तरीका बदल दिया। तो अगर आप हमारे तरीके से, पुराने तरीके से जीडीपी नापो तो आज 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सब दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए। और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, असम जाइए, मिजोरम जाइए, मणिपुर जाइए, नागालैंड जाइए, अरुणाचल जाइए, देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है। जला दिया उन प्रदेशों को, आग लगा दिया असम में।
बांटने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। और मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूं, देखो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। हमारी सरकार थी, आप हमारी सरकार पर आक्रमण करते थे और आपने सही किया। मैं स्टेज से कह रहा हूं कि आपने अपना काम किया, मगर आज वो अपना काम, आप अपना काम भूल गए हो। आज आप अपना काम भूल गए हो, मगर आप भी देशवासी हो, आप भी इस देश के हो। और मैं हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस के लोग से कह रहा हूं, हर इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो हमारे कोर्ट्स में बैठे हो, चाहे वो मीडिया में बैठे हो, चाहे वो सरकारी ऑफिस में बैठे हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, आप ये बात याद रखिए, जिम्मेदारी आपकी भी है। जब आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है, धमकाया जाता है, आप पर आक्रमण होता है, मीडिया के लोगों पर आक्रमण होता है, तो ये आप पर आक्रमण नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण हो रहा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बहुत समय हो गया इस देश को डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब कांग्रेस वाला तो कभी डरता नहीं है, कांग्रेस वाला बब्बर शेर होता है, नहीं डरता किसी से। मगर मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो सरकारी ऑफिसेज में बैठे हैं, जो मीडिया में बैठे हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूं, डरो मत, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है। और जो आज डर है, डर का माहौल है, नफरत का माहौल है, इस माहौल को हिंदुस्तान की जनता, कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलके मिटा डालेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।